दोस्तों नमस्कार, श्री वेट्स क्लब में आपका स्वागत है। आज की वीडियो बहुत ही ज्यादा नॉलेजफुल होने वाली है, तो वीडियो को बिना स्किप किए हुए पूरी देखिएगा। उससे पहले यदि आप चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। आइए वीडियो शुरू करते हैं। आज की वीडियो में हम चर्चा करने जा रहे हैं मिल्क फीवर, दुग्ध ज्वर जिसको बोलते हैं, उसके बारे में। आपने अक्सर देखा होगा कि ब्याह के बाद गाय या भैंस में इस तरह के लक्षण आते हैं कि वो उठने में असमर्थ हो जाता है, गर्दन तोड़ के बैठता है, खून में कैल्शियम की कमी हो जाती है जिसके कारण पशु उठने में असमर्थ हो जाता है, उसकी मसल्स बिल्कुल वीक हो जाती है जिसके कारण वो उठने में असमर्थ रहता है, उसके पैर में कंपन होती है। तो इस तरह के लक्षण अगर यदि मिलते हैं तो वो लक्षण है मिल्क फीवर का। आपको अक्सर आपने देखा होगा कि मिल्क फीवर में सीधा सब लोग जानते हैं कि कैल्शियम की कमी से होने वाला रोग है, और इसमें अगर कार्बोराल CBG कैल्शियम बोरोग्लुकोनेट यदि चढ़ा दिया जाए तो मिल्क फीवर की कमी पूरी हो जाती है और पशु पूरी तरह से स्वस्थ हो जाता है। आज हम एक भैंस की वीडियो आपके साथ शेयर कर रहे हैं, इस वीडियो में भैंस की वीडियो शेयर कर रहे हैं मिल्क फीवर की, जिसमें हम आपको दिखाएंगे कि एक ही भैंस को लगातार एक दो दिन मिल्क फीवर रिपीट हुआ है, और इसको ऐसी स्थिति में काफ़ी कन्फ्यूज़न हो जाता है कि अभी तो कल इसको मिल्क फीवर हुआ था, इसको ड्रिप दी गई, CBG दिया गया, ठीक था, फिर अचानक क्या हो गया। तो ऐसे समय में काफ़ी परेशानी होती है कि अब क्या करें। तो आज की वीडियो में हम उसी पर चर्चा करेंगे। एक जो भैंस आपको स्क्रीन पर दिख रही है उसका एक दिन पहले इसको मिल्क फीवर हुआ, इसको देखिए बैठ गई है, गर्दन तोड़ के बैठी है, इसके पूरे लक्षण मिल्क फीवर के हैं। इसको एक बोतल CBG कैल्शियम बोरोग्लुकोनेट जिसमें टोनोफास्फेन 10 ml ऐड करके दिया गया है IV रूट से, जिससे ये देखेंगे ड्रिप लगाने के बाद ये बिल्कुल ठीक हो गई, खड़ी हो गई, चारा खाने लगी, सब कुछ नॉर्मल हो गया। लेकिन दूसरे दिन सेम वही स्थिति, यही भैंस आप देखें दूसरे दिन एकदम अनेबल टू स्टैंड, उठने में असमर्थ है, गर्दन तोड़ के बैठी है, लेट जा रही है, उसके जैसे उसके शरीर में बिल्कुल शक्ति ही नहीं है। तो अक्सर कन्फ्यूजन होता है कि यदि हमने ड्रिप इसको CBG एक बॉटल दिया है तो कैल्शियम की इतनी ज़्यादा कमी फिर कैसे हो गई कि पशु दोबारा से फिर उसी स्थिति में आ गया। तो ऐसी स्थिति में देखिए बहुत कम देखने को मिलती है मिल्क फीवर में। यदि आपने ड्रिप दे दिया है, CBG दे दिया है IV रूट से, तो बहुत ही कम चांसेस होते हैं कि उसको सेकेंड डे उस तरह की कैल्शियम डिफिशियंसी हो जाए या इस तरह की रिपीट हो जाए। ये हाइपोकैल्शियमिया के जो लक्षण हैं ये कभी कभी काफ़ी कंफ्यूज कर देते हैं। तो इसमें जो हमारा मानना है कि हमने ऐसे भी केस देखे हैं कि जैसे आज एक बोतल आपने CBG दिया, पशु सीट ठीक हो गया, नॉर्मल हो गया, दूसरे दिन फिर वही स्थिति हो गई, आपने फिर जाकर के CBG दिया, फिर ठीक हो गई, फिर वही स्थिति हो गई। तो ऐसी कंडीशन में हमने जो देखा है और जो हमने इलाज किया है, जो उससे रिजल्ट मिले हैं वो बहुत ही बेहतरीन परिणाम देने वाले रिजल्ट हैं। यदि आपने एक बॉटल CBG दिया है और उससे पशु को आराम नहीं, मतलब सेकेंड डे फिर से रिपीट हो गया है, तो मेरा जो मेरी डायग्नोसिस है, मेरा मानना है उसमें CBG से रिपीट ना करके उसको माइफेक्स दिया जाए। माइफेक्स देने के बाद जो परिणाम आते हैं वो बहुत ही बेहतरीन परिणाम देखने को मिलता है और पशु पूरी तरह से स्वस्थ हो जाता है। जैसे कि सेकेंड डे में देखिए इस भैंस के साथ जो लक्षण दिख रहा है, इस ये बिल्कुल लेट गई है और इसको उठने की भी शक्ति इसके पास नहीं बची है। तो इसको चूंकि कल मिल्क फीवर के का ट्रीटमेंट हुआ था, ये ठीक भी हुई थी, लेकिन आज पुनः इस स्थिति में आ गई। तो इसको हमने जो ट्रीटमेंट फिर हमने डायग्नोसिस किया कि इसको CBG नहीं देते हैं, तो हमने इसको माइफेक्स देने का निर्णय लिया। माइफेक्स हमने इसको IV रूट से एक बॉटल दिया है, माइफेक्स देने के बाद इसको हमने फिर इंट्रावास्कुलर रूट से ये मैग्नोडाइन इंजेक्शन इसको 20 ml हमने दिया है और न्यूराक्सीनेम 10 ml दिया है हमने इसको, इसमें फेनामिन 10 ml हमने इसको दिया है। और इसके बाद जो परिणाम आए हैं वो आपके सामने है। देखिए भैंस उठ करके देखिए चल फिर रही है, जैसे लगता है कि ये बीमार ही नहीं थी, ये वो भैंस ही नहीं थी। तो इस तरह के पशु यदि आपको इस तरह के लक्षण देखने को मिले तो काफ़ी सूझबूझ के साथ आप निर्णय ले सकते हैं कि हमको क्या करना है, क्योंकि ऐसी स्थिति में बड़ा संकट रहता है कि यार कैल्शियम तो चढ़ा हुआ था, फिर ये स्थिति में आ गई, कहीं इसको कोई दूसरा रोग तो नहीं है, अब क्या करें। तो ऐसा कुछ नहीं है,
आप बहुत ही सूझबूझ के साथ डायग्नोसिस करके यदि आप इस तरह का इलाज करते हैं तो आपको बहुत ही बेहतर परिणाम देखने को मिलेंगे। आशा करते हैं कि आज की वीडियो आपको बहुत ही अच्छी लगी होगी, बहुत ज़्यादा सटीक जानकारी हमने देने का प्रयास किया है। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं किसी अगली वीडियो में किसी नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।